चुनाव में लगातार प्रचार कर रही हैं आप, क्या लग रहा है? बहुत अच्छी स्थिति है, हम सभी समाजवादी साथी बहुत खुश हैं और आज हमारे माननीय चाचा जी भी आने वाले हैं। सभी जनता में उत्साह है और माननीय सुधाकर सिंह जी भारी से भारी मात्रा में यहां से चुनाव जीत रहे हैं। तो निषाद समाज जो है लगता है आप लोगों के साथ जाएगा भाजपा के लिए, जो है संजय निषाद जी प्रचार कर रहे हैं। कौन संजय निषाद जी? मंत्री जी। अरे कुछ दिन पहले आप बयान भी दे रहे थे। ससुर जी बोला था। ससुर जी हमारे ससुर जी हमारे सखिया गए हैं। हाँ, इसीलिए भैया इसीलिए हम बता रहे हैं क्योंकि दादाजी की उम्र के जो व्यक्ति है जो हमारे साथ जो चल रहे हैं माननीय रमेश चंदसानी जी, इनकी उम्र के जो व्यक्ति है उनसे वो अपना पैर दबवा रहे हैं, अपना पैर चतवा रहे हैं। बताइए अपनी आरती उतरवाएंगे महामना जी? अरे निषाद समाज ने उनको भरपूर प्यार सहयोग आशीर्वाद दिया था, जमीन बेचकर अपना गहीना बेचकर गेहूं बेचकर निषाद पार्टी को खड़ा किया था पैर दबवाने के लिए, आरती उतरवाने के लिए। अपने आप को ईश्वर घोषित कर रहे हैं, वो कितना भी बोल रहे हैं बोल दे कि निषाद समाज उनके साथ है, लेकिन भैया ये बिल्कुल झूठ बात है, कतई उनकी बातों में कोई नहीं आ रहा है। हमारा माननीय निषाद समाज को जागरूक करने की आवश्यकता नहीं है, सम्मानित निषाद समाज जागरूक हो चुका है। इसीलिए उदाहरण में दे रही हूँ कि संत कबीर नगर में माननीय प्रवीण निषाद जी सांसद है, उनके बेटे माननीय संजय निषाद जी के बेटे सांसद है, और वहीं से मेहदावल से विधायक है अनिल त्रिपाठी जी निषाद पार्टी से, और वहीं एक हमारा भाई गरीब रमेश निषाद जी, गरीब बेचारा सब्जी बेचने वाला, उनका प्रचार के लिए मैं चली गई थी, जो ये चेयरमैनी का प्रचार था चुनाव था मैं चली गई थी, और भारी से भारी मात्रा में निषाद समाज ने उनको जिताया है, जबकि दोनों बाप बेटे संजय निषाद जी और प्रवीण निषाद जी रैलियां कर रहे थे उस गरीब को हराने के लिए, सब्जी वाले बेचारे भाई निषाद को हराने के लिए रैलियां कर रहे थे, और ये महामना निषादों के हितैषी बनते हैं। कैसे हितैषी हो जाएंगे भैया? काजल निषाद चुनाव लड़ेगी तभी ये लोग रैलियां करेंगे हराने के लिए। कोई भी निषाद समाज की नेत्री या नेता चुनाव लड़ेगा, चाहे गरीब भाई भी हो चाहे गरीब बहन भी हो, कोई निषाद समाज का किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे तो ये लोग उनको हराने के लिए पहुंच जाते हैं, फिर कैसे निषाद समाज के हितैषी हुए? हमारे ससुर जो है वो थोड़े दिन पहले बीमार पड़े थे, अस्पताल में भर्ती थे, तो कोई डॉक्टर उनको गलत इंजेक्शन लगा दिया है, भैया दिमाग खराब हो गया है। पत्रकार नहीं, पत्रकार महोदय, हमारे ससुर संजय निषाद जी, पत्रकार महोदय मुझे एक बात बताइए, आपकी माताजी जो है वो आपके पिताजी के नाम से जानी जाती है कि मायके के नाम से जानी जाती है? भाई लड़कियों की जात होती है, बेटियों की कोई जात होती है? जैसे उसकी शादी हो जाती है उसके पीछे सरनेम लग जाते हैं अपने पति का, अपने ससुराल का, अपने परिवार का, तो वो सठिया गए हैं, वो गलत इंसान नहीं है, उनको गलत इंजेक्शन लग गया है। आप डर क्यों है? क्यों डरते हैं? कौन निषाद पार्टी के लोग क्यों डर रहे हैं? आप प्रचार कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? कहां वो लोग डर रहे हैं? वो लोग एकदम सकपकाए हुए भैया, कहे कि मैं जहाँ जाती हूँ मेरी जनता का प्यार आशीर्वाद सहयोग मेरे साथ रहता है, खासकर मेरी महिलाएं हमको गले लगा लेती है, उठा लेती है, गोद में उठा लेगी, चूम लेगी, कितना हमारी महिला, हमारी बिटिया आई, हमारी रनिया आई, वही से वो लोग डर रहे होंगे। अरे बाप रे बाप, नहीं नहीं उससे नहीं भैया, देखिए भगुआपार मेरा गांव है, मेरा ससुराल है, मैं वहीं की रहने वाली हूँ, लोगों को ये लगता है कि हमारे आप अपनी बीच की है ये, और लगातार संघर्ष कर रही है, 2012 से लगातार मैं संघर्ष कर रही हूँ, अपने लोगों के बीच में हूँ, सुख दुख में उनके साथ खड़ी रहती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा खोराबार की जो लड़ाई थी वो मैंने लड़ी, जहाँ बुलडोजर से 500-600 घर गिराए जाने वाले थे, लेकिन वहां मैं गई, भारी भारी डिमांड थी हमारी, मैं वहां गई और बुलडोजर रुक गया है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अब बुलडोजर नहीं चलेगा, तो हर लड़ाई लड़ने का काम मैं कर रही हूं, इसलिए जनता हमको पसंद कर रही है। कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने पौवा पिला के निषाद जाती का वोट ले लिया और उनका अधिकार छीन लिया। कौन कह रहा है? संजय निषाद जी कह रहे हैं। निषाद जी के कहने पर कुछ नहीं होगा, निषाद समाज उनके साथ नहीं है, निषाद समाज उनके साथ होते तो उन्हीं के क्षेत्र से गरीब सब्जी वाला नहीं होगा। दूसरी तरफ
सांसद बना रहे हैं, विधायक बना रहे हैं और उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। कौन एक्टर? उन्होंने आपके लिए कहा कि एक्टर के आने से चुनाव में कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। भाजपा के निरहुआ भी आ रहे हैं। एक बात बताइए, निरहुआ एक्टर नहीं है, रवि किशन एक्टर नहीं है। रवि किशन और निरहुआ लड़कियों को भगवा पहना कर बारिश में सम्मान करते हैं, खटिया खटिया सताने का काम करते हैं। कभी हिंदू समाज का अपमान नहीं होता, सनातन धर्म का अपमान नहीं होता। इनके पास एक्टर भर भर के पड़े हुए, चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे हेमा मालिनी जी हो, चाहे निरहुआ हो, चाहे वो बेबी को बियर पिला रहे थे, मनोज तिवारी जी हो, तब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई पिछड़े समाज की जरा सा आगे बढ़ती है तो इनको खल जाता है। पहली बात तो निषादों के हितेशी हैया नहीं है, मैं सीधा बोल रही हूँ, क्योंकि जहाँ गरीब भी कोई खड़ा हो जाता है चुनाव लड़ने के लिए, वहाँ उनको हराने पहुंच जाते हैं। वो कतई निषाद समाज के हितैषी नहीं हो सकते। निषाद समाज इस बात को समझ गया है, मान गया है, इसीलिए घोषी में भी भारी से भारी मात्रा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह जी जीत रहे हैं। तो 9 साल में आरक्षण दिला दिए महामना, 9 साल में आरक्षण दिला दिए, कहा गई भोजन भरी थाली, भोजन भरी थाली में जो व्यंजन था वो तो अकेले घर भर से टार रहे, आरक्षण भी घर भर अकेले खा रहे हैं। निषाद समाज को तो आरक्षण मिला नहीं, दिला दिए महामना। कौन दोनों तरफ? समाज जिसका चाहेगा, समाज उसकी नैया पार करेगा। जो सम्मानित निषाद समाज चाहेगा वो सम्मानित निषाद करेगा। सम्मानित निषाद समाज जो है वो खुद निर्णय करेगा।